बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बड़े, लास्ट लेक्चर हमारा था प्रिपरेशन ऑफ अलकेन्स में, उसमें उसके थोड़े से ना नोट्स में भी आपसे क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो इसमें एमसीक्यूज कोई नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट सवाल सेबेटाइस इंटरैक्शन वाला, और उसके बाद हमारे पास आपका शॉर्ट क्वेश्चन ये गिगना रीजन वाला इंपॉर्टेंट है, और वर्ड सिंथेसिस ये वैसे 10वें चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड से हमने अभी जो अल्केन बनाई है ना उसी के अंदर एडी के नीचे ये भी रिएक्शन आ सकता है कि अल्काइल हैलाइड को अगर सोडियम से रिएक्शन करवाएं ईथर की मौजूदगी में तो अल्काइल ग्रुप जो है वो डबल हो जाते हैं। ठीक हो, एक्सरसाइज का ये सवाल है कि ये रिएक्शन है, इसमें ए और बी आपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन वैसे ये आपने अभी तो नहीं पढ़े, आगे आएंगे रिएक्शन, लेकिन अब आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं तो उसको डिस्कस करते जाते हैं। अल्कोहल जो होता है इसको अगर आप PCl5 से रिएक्शन करवाएं तो OH की जगह ना Cl आ जाता है, यानी अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बन जाता है, OH की जगह Cl ग्रुप आ जाएगा, तो ए प्रोडक्ट ये। और सोडियम और ईथर ये अभी वर्ड्स रिएक्शन जो अभी पढ़ा उसमें क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप डबल हो जाता है, तो ये इसमें 3 कार्बन है तो जो बी होगा उसमें 6 कार्बन का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक हो, ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है कि प्रोपानोन से प्रोपेन बना दें, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और प्रोपानोइक एसिड से एन ब्यूटेन बना दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये भी उसमें ना पास पेपर का सवाल है। 21 पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल इज लोअर देन स्टेट 1, वाई या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स, एक्सरसाइज का सवाल है, पास पेपर में भी ये सवाल आया हुआ है। ठीक हो, कि मेल्टिंग पॉइंट पे ब्रांचेस का मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर होता है, ये अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं उसके अंदर ये पॉइंट आ जाएगा आपका। आइसोमर्स वाला 7 चैप्टर में भी आपका सवाल बनता है, वही वाला ओके हो जाएगा इधर, और हाइड्रोजिनोलाइसिस का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कोप्स का मैंने आपको बताया लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका, पास पेपर में आया भी है सवाल। अच्छा, यहाँ पे अब ये एक एक्सरसाइज का मैंने लिखा है इसके एंड पे कि एक्सरसाइज में भी सवाल दिया हुआ है अल्केन की प्रेपरेशन के हवाले से, यहाँ मैंने एक जनरल एग्जाम्पल ली है प्रोपेन की ना, कि ये आपने ये कंपाउंड हैं, ये कंपाउंड आपने बनाने हैं, इन कंपाउंड्स को यूज करना है, ये 1, 2, 3, 4, 7 तक जो इनको यूज करके आपने इथेन बनानी, ये मिस्टेक इसको मैं करेक्ट कर दूंगा नोट्स में, तो इथेन बनानी, तो ये उसने एक चार्ट बनाया, चार्ट का आपको बुक पे वैसे रिएक्शन तो दी है लेकिन चार्ट का आपको ये फायदा होगा कि जो बाद दफा रिएक्शन की कंडीशन मिक्सअप हो जाती है उसमें आपको काफी हेल्प हो जाएगी ना इस चार्ट को सामने रख के। जैसे ना ये ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जाना है तो हाइड्रोजिनेशन है, डबल बॉन्ड इथीन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जाना है तो हाइड्रोजिनेशन है, इथाइल क्लोराइड क्लोरीन हटा के सिर्फ एक हाइड्रोजन लगानी है तो जिंक और HCl से करवा लें, या वो हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन जो था रेडियम चारकोल और हीट उससे करवा लें। फिर इसी तरह प्रोपानोइक एसिड है, इसमें से 2 एसिड को सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा के आपने बाकी जो 2 कार्बन वो बनानी है, तो उसमें आपके पास ये बेस पहले साल्ट बनाएंगे उसका, फिर सोडा लाइम से रिएक्शन करेंगे तो अल्केन बन जाएगी। फिर इस तरह एस्टिक एसिड से अब आपने कार्बोक्सिल को हटा के CA3 को डबल करना है तो उसके लिए पहले साल्ट बना के फिर कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे। इस तरह अल्डिहाइड है, उसको हाइड्राजीन और KOH से रिएक्शन करवा लें वुल्फ किशनर में तो अल्केन बन गए, गिगना रिजेंट को वाटर से करा देंगे तो अल्केन बन जाएगी। ठीक हो, तो ये चार्ट का आपको फायदा ये होगा कि आपको उधर रिएक्शन को याद करना आसान हो जाएगा। ठीक हो गई, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर हमारे नेक्स्ट चलेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बताया हुआ है कि कार्बन नंबर 1 से लेके 4 तक जो गैस है, बाकी 5 से लेके 17 तक जो है वो लिक्विड्स हैं और उससे आगे सारी सॉलिड्स हैं। वो आपको पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा हो जाती हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये पहला यानी फिजिकल स्टेट की इसका पॉइंट बन जाता है। दूसरा जो पॉइंट है उसकी हेडिंग आप सॉल्युबिलिटी की ले रहे हैं कि ये चूंकि नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होते हैं।
तीसरा पॉइंट आप इसके ले लें जी, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जो है, ये डाउन द ग्रुप जो है सीरीज के अंदर तो इंक्रीज होते हैं। वही बात जो भी ऊपर की, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, तो फिर उनके ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मॉलिकुलर मास, ये सारी चीजें इंक्रीज होती रहेंगी। इसको आप एमसीक्यू में जरूर याद रख लें कि ये जो द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाय 20 to 30 degrees फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा और पास पेपर्स में भी आया हुआ है, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स हैविंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, जिनकी ब्रांचें हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट लो हैं और उनकी निस्बत से जो स्टेट चेन में आते हैं। जैसे एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट वो कहता है जी कि हायर है, -5.5 डिग्री सी है, जबकि आइसो ब्यूटेन का -11.7, उससे भी नीचे, माइनस में ये छोटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये था कि जनाब ये जो बॉलिंग यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के ब्रांचें जो होती हैं उनका, जो ब्रांच रखने वाले मॉलिक्यूल है उनका बॉलिंग पॉइंट कम क्यों आता है। उसी का आंसर हमने अभी यहाँ पे एक जो मैंने कहा था कि अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में ये पॉइंट दिया हुआ है कि एज द नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट इज लो डाउन, दिस इज बिकॉज ऑफ लेस पैकिंग एंड लेस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, के जितने ब्रांचेस ज्यादा होंगे उतनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो पैकिंग है वो कम होती जा रही है और फोर्सेस अट्रैक्शन भी वीक हो जाएंगी गैप्स की वजह से। ठीक है ना, ये स्टेट चेन मॉलिक्यूल जैसे, अब इसके साथ दूसरा स्टेट लग जाएगा तो साथ ही जुड़ता जाएगा ना, साथ साथ जुड़ते जाएंगे, दरमियान में गैप नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ये ब्रांच वाला है, इसकी इसी तरह का इसके नीचे दूसरा लगाएंगे तो दरमियान में ये वाली जो गैप है ये तो फिल नहीं होंगे ना, तो गैप तो रह जाएंगे, तो गैप आने की वजह से फिर आपस में उनकी इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज वीक पड़ जाएंगी, फोर्सेज वीक पड़ेंगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाते हैं। ठीक हो गए। चौथा है जी, मेल्टिंग पॉइंट एल्केन्स जो है वो भी इंक्रीज होते जाते हैं जिस तरह वो मॉलिकुलर मास बढ़ती है। तो ये इसकी इस फिजिकल पार्ट में सिर्फ एक ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन, यही जो ब्रांचिंग वाला आपने किया जो पास पेपर में भी आया हुआ है, एक्सरसाइज में भी, ये बस यही मेन इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी इसमें एमसीक्यू भी इतना खास कोई नहीं और शॉर्ट क्वेश्चन भी कोई नहीं। उसके बाद है एक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। जैसे लास्ट हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था कि अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं, उसका ये आंसर दिया हुआ है कि पैरम और अफिन से मिल निकला है। पैरम का मतलब लिटल, अफिन का मतलब अफिनिटी, मतलब इसकी रिएक्शन करने की सलाहियत बहुत ज्यादा कम होती है, इस वजह से इनको पैराफिन्स बोलते हैं। एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं, उसमें एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दूसरा थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन, इंपॉर्टेंट बहरहाल ये नहीं आया अभी आज तक नहीं है ये सवाल। पैराफिन वाला क्वेश्चन जरूर अच्छा क्वेश्चन है और पास पेपर भी में भी आया हुआ है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है ये इनर्टनेस ऑफ सिग्मा मान, ये ऊपर वाला पैराग्राफ और ये सिग्मा मान, ये दोनों पैराग्राफ मिला के ना सवाल आपका एक ही बनता है कि अल्केन जो है वो इतने ज्यादा लेस रिएक्टिव क्यों है। ठीक है, उसका आंसर हम ये देते हैं कि अल्केन्स वो हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सारे, और चूंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बना होता है, वो स्ट्रोंगर बॉन्ड होता है, तो स्ट्रोंग होने की वजह से फिर उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब ये इसी वजह से अल्केन जो है वो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, लेस रिएक्टिव होते हैं सिग्मा बॉन्ड की, स्ट्रोंग सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से, सिग्मा बॉन्ड क्या है ना, कि इसकी रिएक्शन इतने ज्यादा ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। रिएक्शन में पहला रिएक्शन कम्बस्शन है, कम्बस्शन हम कहते हैं ना बर्निंग, जलाना, और ये नीचे ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब ही रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, कम्बस्शन का भी यही मतलब है, लेकिन फर्क ये है कि जब कम्बस्शन आप करते हैं तो आप उसको खुली हवा में जलाते हैं, मतलब एक्सेस ऑक्सीजन होती है, हर चीज मुकम्मल तौर पर बर्न हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कम्बस्शन। जैसे ये मीथेन है, उसकी ऑक्सीडेशन हुई तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में प्लस वाटर में कन्वर्ट हो गए, कार्बन जो है वो कार्बन डाई में कन्वर्ट हो जाती है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस हीट भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कम्बस्शन का, आपको पता ही है। अच्छा, इसको अगर आप बैलेंसिंग करेंगे ना तो उसका आप ये तरीकाकार हमेशा हमने याद रखना है कि पहले कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और एंड पे ऑक्सीजन को करना है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे सेपरेट है ना अकेले, तो जितनी होगी वो इजिली बैलेंस हो जाएगी, बाकी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक हो गए, इसमें ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कंबस्शन के हवाले से, इंपॉर्टेंट बारल नहीं है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन,
रिएक्शन ऑफ अल्केन विद ऑक्सीजन इन विद लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी तो उसका मतलब ये होगा कि पूरी तरह मॉलिक्यूल जो है उनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। तो अब जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो वाटर बन जाता है, ठीक हो गया उसी तरह। लेकिन अब चूंकि ऑक्सीजन की अमाउंट कम है ना, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी, कार्बन मानो बनी है, और किसी जगह पे ऐसे भी ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिली तो कार्बन अकेली रहेगी, बस हाइड्रोजन तो वाटर बना गई लेकिन कार्बन के लिए रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी तो कार्बन अकेला बच गया। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, इनकम्प्लीट कम्बस्टन कह लें कि कम्बस्टन मुकम्मल नहीं होती। ये आपका इसमें कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है, इंपॉर्टेंट बार ये नहीं है पेपर के हवाले से। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का शॉर्ट क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है पास पेपर के हवाले से भी, कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन जो हम करते हैं। तो कैटलिस्ट की ये इसने रिएक्शन दिया हुआ है, अल्केन है उसकी ऑक्सीडेशन करें, कॉपर आपका कैटलिस्ट है, टेम्परेचर 400°C है, 200 ATM प्रेशर है, तो हमारे पास ये अल्कोहल बन जाती। इसमें आप ये चीज याद रख सकते हैं कि जो अल्केन है उसकी ऑक्सीडेशन की है तो अल्कोहल है, फिर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की तो एसिड, और एसिड की फिर मजीद ऑक्सीडेशन हुई तो कार्बन वाला अल्डिहाइड बना। ठीक हो गए। अच्छा, एक कार्बन की अल्केन की ऑक्सीडेशन हुई तो अल्कोहल हो गया, फिर उस एक कार्बन की अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड की ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बन डाई और वाटर, कंडीशन सेम ही आ रही है। मतलब ये कि उसी कंडीशन में अल्केन से रिएक्शन स्टार्ट होता है, और अगर आप उसको ऑक्सीजन अमाउंट एक्सेस में देंगे तो वो फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाई और वाटर, यानी कंप्लीट कम्बस उसकी ऑक्सीडेशन होगी मुकम्मल तौर पर। लेकिन अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन रखेंगे तो फिर रिएक्शन ही, इसमें आपको किसी भी वक्त रिएक्शन को स्टॉप करेंगे तो आपको अल्कोहल भी मिलेगी, एल्डिहाइड भी मिलेगा, मतलब एक मिक्सचर मिलेगा, एक प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल अल्कोहल पे पहुंचे होंगे, कुछ एल्डिहाइड पे, कुछ एसिड पे, तो एक मिक्सचर आपको मिल जाएगा। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर के हवाले से यही बनता है कि डिस्कस द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अल्केन, और उसमें आपने यही वाली चार रिएक्शन लेके उसकी एग्जाम्पल दे देनी, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। ठीक हो गई। उसके बाद सेकंड है जी नाइट्रेशन, ये आपकी एक्सरसाइज में सवाल इसका दिया हुआ है, कन्वर्जन का जी, के मीथेन से नाइट्रोमीथेन बनाए। ठीक हो गए। अच्छा, अब वो ये पिछले तो आपने अभी पढ़ा, एक तो ऑक्सीडेशन होगी ना, ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन या कंबस्टन वाले रिएक्शन अल्केन शो करते हैं। दूसरा अब था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं कि जैसे ये देखें, यहाँ पे जो मीथेन ने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया है, HNO3 था ना, उसको ओपन करके लिखा है तो OH एक साइड पे कर दिया और NO2 एक साइड पे कर दिए, तो 450 डिग्री यानी हाई टेम्परेचर हमें देना पड़ा, फिर जाके रिएक्शन हुआ है। और हुआ क्या है कि इस CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाली है, वहां से निकली है, वो OH से मिलके उसने वाटर बना दिया है, और उस H जो रिप्लेस हुई है उसकी जगह NO2 ग्रुप जाके जुड़ गया। ठीक हो गया। तो CH3NO2 हो गया, नाइट्रोमीथेन बन, ठीक है जी, प्लस आपके पास वाटर आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना है, इसमें क्या हुआ है कि नाइट्रिक एसिड ने मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया, और उसकी जगह खुद जाके लगा है, इस वजह से इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक हो गई। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास ये इसमें मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, मे बी वो स्क्रीन नजर नहीं आई होगी, हम बात कर रहे थे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पे, कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो होती है जिसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन है कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो मीथेन की ऑक्सीडेशन हुई तो अल्कोहल बना, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, फिर एसिड, और फाइनल जो है वो कार्बन डाई वाटर। किसी भी टाइम आप रिएक्शन को स्टॉप करते हैं तो आपके पास ये सारे प्रोडक्ट एज ए मिक्सचर मिल जाते हैं। ठीक हो गए। एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलता बल्कि हमें सारे के सारा मिक्सर ही मिलता है।
उसके बाद हमारे पास आता है नाइट्रेशन का ना तीसरा रिएक्शन। नाइट्रेशन में अभी हमने पीछे बात की कि अल्केन जो है वो रिएक्शन जो शो करती है, एक तो ऑक्सीडेशन होगी, कम्बसन वगैरह होगी। दूसरे नंबर पे रिएक्शन था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि किसी कंपाउंड में से कोई एक आध हिस्सा उसका रिप्लेस कर दिया जाए और उसकी जगह कोई और ग्रुप आके जुड़ जाए, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पे मीथेन है, उसको हमने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाया और हाई टेम्परेचर पे देना पड़ा है। उसकी वजह क्या है, वो हमने अभी बात की कि इतने ज्यादा अल्केन जो है वो वेरी लेस रिएक्टिव है, तो अगर करेंगे रिएक्शन तो वेरी हाई कंडीशन पे जाके करेंगे। अच्छा, अब रिएक्शन क्या हो रहा है कि ये नाइट्रिक एसिड को HNO3 होता है ना नाइट्रिक एसिड, लेकिन उसको ओपन करके OH उसका एक साइड पे कर दिया, NO2 एक साइड पे कर दी। अब मीथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन और ये OH मिलके वाटर बना दिया और NO2 ग्रुप उस के साथ जाके जुड़ गया CH4 के साथ, CH3 के साथ, क्योंकि H तो हटा दिया ना, वो उसकी जगह जाके NO2 ग्रुप लगा, तो CH3NO2 बन गया और प्लस वाटर बन गया। इसको नाइट्रोमीथेन कहते हैं। ये आपके एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है, कन्वर्ट मीथेन इनटू नाइट्रोमीथेन, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद है जी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हमारे पास एक तो दो चीज, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है। इसमें एक तो हमारे पास MCQ आता है, जैसे एक तो नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि जनाब अल्केन के अंदर हमने हेलोजन ग्रुप जो है ना, हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, इनको ऐड करना, इनको लाना, इसको हेलोजिनेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक MCQ ये कि एक्सटेंड ऑफ, ये आखिरी लाइन पहले पैराग्राफ की, एक्सटेंड ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हेलोजन यूज, कि कितनी हेलोजिनेशन होगी ये डिपेंड करता है कि आपने हेलोजन कितनी यूज की है, क्योंकि जितनी ज्यादा हेलोजन लेंगे उतनी वहां पे मौजूद अल्केन के अंदर मौजूद हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा रिप्लेस होती जाएगी, हाइड्रोजन को हटा हटा के हेलोजन जुड़ते जाएंगे। अगर थोड़ी अमाउंट लेंगे तो फिर थोड़ी हेलोजन ऐड हो सकेगी, ज्यादा अमाउंट लेंगे तो ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होके हेलोजन वहां पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये और दूसरे पैराग्राफ में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका हो सकता है, MCQ भी है, रिएक्टिविटी क्या है इनकी हेलोजन की, उसमें फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर बोरोमीन, फिर आयोडीन। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन होती है, फिर बोरोमीन होती है और एंड पे आयोडीन होती है, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। अब फ्लोरीन इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगी ना, उसकी वजह ये भी है कि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नंबर एक। नंबर दो पे इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो कम होती है। डिसोसिएशन एनर्जी मतलब F2 मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से टूट के F फ्लोरीन के एटमों में बदल जाता है। अब एटम में बदल गया तो इसका मतलब आगे रिएक्शन भी बड़ी जल्दी कर जाएगा। ठीक हो गया। तो इस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया, क्लोरीन उससे कम है, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे कम हो जाती है इन चारों में से। तो ये ऑर्डर MCQ के वाले से, और शॉर्ट क्वेश्चन हो तो उसमें रीजन आप ये दे सकते हैं कि फ्लोरीन की हाई रिएक्टिविटी इसीलिए है कि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम है, बड़ी जल्दी टूट के एटमों में बदल जाता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इस वजह से इसका रिएक्शन फास्ट है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है ये अलग से कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये लिखन कि हेलोजिनेशन जो होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है क्या और उसकी एग्जाम्पल दें, उसके स्टेप्स कौन से हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, यही जो 1 2 3 स्टेप लिखे इसी तरह लिखेंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इसको शॉर्ट क्वेश्चन को मुकम्मल करने से पहले, इससे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे शॉर्ट पे आ जाएंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है, जैसे नाम से ये कि वो मैकेनिज्म जिसमें फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे होंगे उसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे पहला स्टेप आपका इसमें क्या है, इनिशिएशन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या कहलाता है, इनिशिएशन, जिसमें हम फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे हेलोजन है वो सनलाइट में मॉलिक्यूल टूटता है और क्लोरीन के फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये इनिशिएशन स्टेप है। ठीक हो। नेक्स्ट आता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या होती है, अब ये देखना, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल आया इधर से हमारे पास, ये है, चलो मैं यहीं से इसको स्टार्ट चलने देता हूँ कि ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल आया, उधर से ये मीथेन थी, मीथेन में से जो हाइड्रोजन थी वो क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने लेके HCl बना दिया और जो CH3 का फ्री रेडिकल खुद से बन गया, क्योंकि यहाँ पे अब बांड टूटा है ना, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस क्लोरीन के साथ जुड़ के HCl बना दिया और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गया, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। ठीक हो गया। यानी एक मॉलिक्यूल है, दूसरा साथ फ्री रेडिकल है, रिएक्शन के बाद जो फ्री रेडिकल था क्लोरीन का वो अब मॉलिक्यूल में बदल गया HCl में, और जो एक मॉलिक्यूल था वो अब फ्री रेडिकल में बदल गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में ये अब रेडिकल, ये रेडिकल है ना, तो रेडिकल को आपने रिएक्शन करवाना है मॉलिक्यूल से, जैसे ऊपर
क्लोरीन रेडिकल था तो कार्बन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया, अब कार्बन का रेडिकल है तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, ठीक होगा। तो वहां से एक क्लोरीन लेके वो CH3Cl बन जाएगा और क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो फ्री हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये अब देख रहे जो CH3 फ्री रेडिकल था वो अब मॉलिक्यूल में बदल गया और जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल था वो अब फ्री रेडिकल में बदल गया। ये अब दो लाइनें बार बार यही रिपीट होंगी कि जो मॉलिक्यूल होगा कार्बन का वो कार्बन के फ्री रेडिकल में चलेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल HCl बना के मॉलिक्यूल हो जाएगा, फिर अगले स्टेप में जो कार्बन का फ्री रेडिकल होगा वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल से क्लोरीन लेके क्लोरीन एक सिंपल मॉलिक्यूल बन जाएगा और जो क्लोरीन मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दो स्टेप हो गए। अब देखें अगले स्टेप में, अब ये जो मॉलिक्यूल ये CH3Cl वाला मॉलिक्यूल है वो अब क्लोरीन के फ्री रेडिकल, ये मॉलिक्यूल क्लोरीन के फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा और किस में बदल जाएगा, HCl में, जैसे यहाँ ऊपर भी HCl में बदल गया, और जो कार्बन है उसका फ्री रेडिकल बन जाएगा। अगले स्टेप में कार्बन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा जैसे यहाँ ऊपर किया था, ठीक हो गया, और कार्बन का मॉलिक्यूल रेडिकल जो है वो मॉलिक्यूल में बदल गया और क्लोरीन का रेडिकल आ गया इसका। उसके बाद तीसरे नंबर पे फिर ये मॉलिक्यूल फिर फ्री रेडिकल से करेगा, एक हाइड्रोजन और निकल जाएगी, कार्बन का फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो जाएगा, फिर ये कार्बन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के मॉलिक्यूल से करेगा तो एक सिंपल मॉलिक्यूल और क्लोरीन का फ्री रेडिकल, और लास्ट टाइम में फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल एक और हाइड्रोजन लेके उसको दोबारा फ्री रेडिकल बनाएगा, वो फिर क्लोरीन के मॉलिक्यूल से क्लोरीन लेके मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो कार्बन के पास चार हाइड्रोजन थी, चारों हाइड्रोजन अब चार हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिए, यहाँ पे इसका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हो गया? और ये जो फ्री रेडिकल बना ये वही है जो ऊपर आया था, वही दोबारा फ्री रेडिकल रिप्रोड्यूस हो गया। क्लियर हो गया? अब ये सारी जो चीजें आपने लिखी ये सारी कहलाती है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब ये होता है रिएक्शन का चलना। स्टेप वन थी इनिशिएशन, रिएक्शन का स्टार्ट, फ्री रेडिकल का बनाना। प्रोपगेशन होती है रिएक्शन का मूव करना, आगे प्रोडक्ट एक फ्री रेडिकल आगे चलते जाना और प्रोडक्ट बनाते जाना। और टर्मिनेशन होती है कि जब भी दो फ्री रेडिकल मिलेंगे आपस में तो वो मिलके एक प्रोडक्ट बना देंगे फाइनल, जब फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन, रिएक्शन का रुक जाना। वो कोई से भी फ्री रेडिकल दो मिल जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो सकता है, किसी भी स्टेज पे हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो पास पेपर में कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है क्या, आपने बता दिया वो जिसमें फ्री रेडिकल आते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वो क्या एग्जांपल दे तो ये जो स्टेप वन टू और थ्री लिखे ये उसकी एग्जांपल होगी, शॉर्ट क्वेश्चन आपका मुकम्मल होगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो तो उसमें फिर यहीं पे आप स्टॉप नहीं करेंगे, स्टेप वन है स्टेप टू के ये दो लिख के फिर आगे ये वाले सारे आ जाएंगे और एंड तक लिखने के बाद, ठीक होगा, फिर लास्ट स्टेप आप टर्मिनेशन वाला दोबारा लिखेंगे, उसमें आप ये लिख सकते हैं ये जो क्लोरीन का रेडिकल निकला है ये इसी ऊपर जो ये क्लोरीन का रेडिकल बचा हुआ था उसी से मिलके दोबारा Cl2 बना देता है, वो उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आपका मुकम्मल हो जाता है। लास्ट में इसके यूजेज हैं ये एल्केन के, कि ये इल्यूमिनेटिंग गैस जलाने के लिए इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ कंपाउंड बनाने के लिए जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल लीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसी तरह ये इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन भी इसकी है, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड में भी यूज होती है, कार्बन ब्लैक बनाने में यूज होती है, जो पेंट्स वगैरह में, इंक्स में यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल के टायर्स में यूज होते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर में मिथेन यूज होती है क्योंकि वहां पे ये बनाती है ना कार्बन डाई अपना स्टीम बनाती है, मिथेन को स्टीम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉरी हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, वो फिर आगे हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है आगे अमोनिया बनाने में और अमोनिया को आगे फिर यूज करते हैं यूरिया बनाने में। तो यहाँ तक आपके ये अल्केन वाला काम सिस्टम मुकम्मल हो जाता है। इन कंपाउंड्स के नाम भी यहाँ साथ करते जाते हैं, ये कंपाउंड था मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, CH3Cl का नाम मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम दो क्लोरीन हो गए ना तो डाइक्लोरो, और एक कार्बन को मिथेन कहते हैं तो डाइक्लोरो मिथेन हो गया, ये ट्राइक्लोरो मिथेन या इसका जनरल नाम क्लोरोफॉर्म आ गया, ये टेट्राक्लोरोमीथेन या इसका जनरल नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाता है कि मॉलिक्यूल्स ना कार्बन के सारे मुकम्मल हो जाते। अच्छा, इसी में नोट्स में हम इसको चेक कर लेते हैं, इसके नोट्स के क्वेश्चन वगैरह जो आते हैं उसमें रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में हमारे पास एक्सरसाइज में एक एमसीक्यू है कि फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या है, तो वो CH
Cl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है कि अल्केन जो है वो इतने इनर्ट क्यों है रिएक्शन के हवाले से, ये सिग्मा बॉन्ड्स आर इनर्ट इन अल्केन, अल्केन्स में इनर्ट क्यों होते हैं, जस्टिफाई करें। तो उसके आपने आंसर अभी दिया कि उनमें सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है जिसकी वजह से इतनी आसानी से टूटता नहीं, तो रिएक्शन में इनके स्लो हो जाते हैं। यूजेज ऑफ मीथेन एक्सरसाइज का सवाल है और पास्ट पेपर में कई दफा आया, जरूर आपने करना है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है के ये शॉर्ट का, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है और ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है, इनिशिएशन फिर प्रोपगेशन और लास्ट में टर्मिनेशन का बनाया हुआ। इस तरह जी डिस्कस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन का शॉर्ट क्वेश्चन अभी आपको बताया, उसके भी इसने ये रीजन बताई हुई है। लास्ट में आपके पास है ये एक्सरसाइज का सवाल है कन्वर्जन का, मीथेन से इथेन बना दें, इथेन से मीथेन, एस्टिक एसिड से इथेन और मीथेन से नाइट्रोमीथेन बना दें। मीथेन से इथेन बनाने का तो हमारे पास देखें एक मीथेन में एक कार्बन है और आपका प्रोडक्ट जो इथेन उसमें दो कार्बन है, ठीक हो गए। तो एक कार्बन को दो करनी है तो अभी हमने पढ़ा था वर्ड्स रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड को सोडियम से रिएक्शन कराते थे इथर की मौजूदगी में, तो वो अल्का जो कार्बन होती थी वो डबल हो जाती थी। तो हमारे पास मीथेन की पहले हमने क्लोरीनेशन की सनलाइट में तो अल्काइल हैलाइड बना लिया, फिर सोडियम इथर से रिएक्शन किया तो कार्बन डबल होके इथेन होगी। दूसरा है इथेन से मीथेन, दो कार्बन से एक कार्बन में आना, तो उसका आप कहेंगे हमारे पास सर एक ही तरीका था, कार्बोक्सिलिक एसिड था उसको हम साल्ट बनाते थे, उसको सोडा लाइम से रिएक्शन कराते थे तो वो सोडियम कार्बोनेट बन के निकल जाता था, पीछे CH3 जो CH4 बन जाता था, उसके लिए एसिटिक एसिड चाहिए, ठीक हो गया। तो एसिड कैसे बनेगा उसके लिए फिर ये तरीका था कि पहले क्या है अल्केन की क्लोरीनेशन करके अल्काइल हैलाइड बना लिया, फिर उसको एक्वस KOH से रिएक्शन करवाया तो अल्कोहल बन गई, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एसिड बन जाता है एल्डिहाइड और फिर एसिड, और एसिड के फिर आगे हम वो साल्ट बना के और फिर सोडा लाइम से रिएक्शन करवा के अल्केन बना लेते हैं। उसके बाद है जी एस्टिक एसिड टू इथेन, एस्टिक एसिड से इथेन बनाना, यानी कार्बोक्साइल ग्रुप को हटा के इस कार्बन को हमने डबल करना है। तो डबल के लिए आपको पता है कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस, कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस आपकी जो है ना वो आती है उसमें ना, उसको यूज करते हैं तो साल्ट वगैरह जो है वो आपका कार्बोक्साइल ग्रुप निकल जाता है तो जो कार्बन होती है वो डबल हो जाती है, ठीक हो गया। तो वो यहाँ पे अब ये सोडियम साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कार्बन सेल में निकल जाएगा, कार्बन जो डबल होके इथेन बना देंगे। फिर है जी मीथेन से नाइट्रोमीथेन बनाना है, तो मीथेन को आप जब कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करवाएंगे 400 से 500 डिग्री सी टेम्परेचर पे तो आपके वो सब्स्टिट्यूशन अभी हमने डिस्कस की तो नाइट्रोमीथेन बन जाता है। उसके बाद ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ जी, और ये भी आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का सवाल है कि राइट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन विद ऑफ मीथेन विद क्लोरीन, ये एक्सरसाइज में, और ये अब लॉन्ग क्वेश्चन बना है उसमें ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, मॉलिक्यूल भी बनाए हुए, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है, वैसे पास पेपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आया नहीं है सवाल इतनी दफा ना, शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर है, लॉन्ग क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, जैसे वो प्रेपरेशन का एक चार्ट बनाया था उसी तरह यहाँ पे एक रिएक्शंस का भी चार्ट बनाया हुआ है कि अल्केन से फला फला कंपाउंड बना दे, तो आपको वो रिएक्शंस को याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो इस हवाले से चार्ट आपकी हेल्प करेगा, ये नोट्स में से आप अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा जो ये प्रेपरेशन अल्केन वाला सिस्टम जो है ना रिएक्शन, ये मुकम्मल हो जाता है, तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं।